देश में पांचवें चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब छठे चरण और सातवें चरण का चुनाव बाकी है, यानी कि दो चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता लागू होने के बाद पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की रहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, क्या मूल्यांकन सही तरीके से किया जा रहा है, या किसी राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर रही है। झामुमो के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आज दो राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस भेजा है कि आप सांप्रदायिक बातें नहीं करें। इंडिया गठबंधन के लोग सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहे हैं, या तो भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री करते हैं, तो फिर उनको नोटिस क्यों नहीं जारी होता। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान पर भी बात करने से मना किया जा रहा है। वह संविधान जो बात करने का अधिकार देता है, उसी पर बात करने से रोका जा रहा है। तो क्या करेंगे हम? उनका और देश के छठे चरण का प्रचार का काम अब आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में आज तक विश्वसनीय रहा है, और हमारे चुनाव आयोग ने कई मिसालें पेश की है जिसको पूरा दुनिया फॉलो करता है। लेकिन अचानक से ये पांच चरण के चुनाव के बाद ये स्वाभाविक तौर पर सामने आया है कि क्या हमारा भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। चीजों को समान रूप से देख रहा है, चीजों का मूल्यांकन सही रूप में कर रही है, या किसी विशेष सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर रहा है। क्योंकि आज से लगभग 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने कई शिकायत जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध किए गए थे कि वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों का डर हिंदू को दिखाना, ये जो खुलकर कह रहे थे, जब उस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस किया और राहुल गांधी जी ने जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बातें कही तो उस पर भी नोटिस किया, लेकिन उस नोटिस को 29 तारीख तक का जवाब देना था। क्या जवाब आया, नहीं आया, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज फिर दो राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस दिया गया, बड़ा हास्यास्पद। कि आप लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें, तो भाई हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है, तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया कि भारत के संविधान पे भी बात मत की। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए, तो क्या बात करेंगे? अधिकार का बात नहीं करेंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे, बात करने का जो अधिकार है वही संविधान दिया है, तो किस पर बात करेंगे? आप लोग अग्निवीर पे भी बात मत कीजिएगा, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो युवाओं को चौकीदार बनाने का प्रोजेक्ट था,
उल जुलूल टेम्पू में पैसा आता है, तो ईडी क्या करता है, डीआरआई क्या करता है? आज जब रिपोर्टें छप रही है अदानी का कोयला का स्कैम, 7,200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो उन्होंने चूना लगाया, लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? चुनाव आयोग ही बता दे, क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो चार चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम किया। मतलब जहां जहां चुनाव हुए हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28,00,000 वोट डाले गए। अट्ठाईस लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80,00,000 वोट को प्रभावित करना। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56,00,000 पहले लाना होगा, तब जाकर उसको यदि 28,00,000 का लीड लेना है फिर से वो, मतलब लगभग 80,00,000 का परोक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान 28,00,000 का। एक करोड़ 7,00,000 वोट बढ़ गए, लगभग 6.14%। और वो जितने अभी तक में 115 बाकी है 543 में, एक सूरत का छोड़ दीजिए, तो बाकी जो लोकसभा में है औसतन 28,000 वोट, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम में शिफ्ट किए।